we are going to chapter 6 of class 9, that is known as tissues. As we have completed first two type of connective tissue, that was alveolar connective tissue and adipose connective tissue. In this video, we are going to study about third type of connective tissue, that is known as cartilage, and the fourth type of connective tissue, that is known as bone. Right? So, let's start our third type of connective tissue, that is known as cartilage. Right? Cartilage, it has solid matrix. हमने intercellular matrix connective tissue में पढ़ा था, right? Intercellular, जहां पर cells embedded रहते हैं, उसको बोलते हैं हम intercellular matrix. Right? हमने ऐसा कुछ एक फिगर बनाई थी, यहां पर लूज सेल्स थे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर और ये सारे के सारे एक के अंदर एम्बेडेड थे, राइट? दैट इज नोन एज मैट्रिक्स. तो यहां पर दे हैव सॉलिड मैट्रिक्स. क्या रहा उनके पास? सॉलिड मैट्रिक्स. सॉलिड, राइट? सॉलिड और हार्ड में बहुत सारा डिफरेंस है, रिमेम्बर इट. सॉलिड मैट्रिक्स कंपोज ऑफ प्रोटीन एंड शुगर. दिस क्वेश्चन मे बी आस्क्ड, राइट? कार्टिलेज मैट्रिक्स किन चीजों से बना हुआ होता है? इट इज कंपोज ऑफ प्रोटीन एंड शुगर मॉलिक्यूल्स, राइट? उसके कार्टिलेज के पास क्या होता है? उसे सॉलिड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज हेल्प्स टू स्मूदन द बोन एंड्स, राइट? बोन एंड्स, रिमेम्बर दिस, बोन एंड्स मतलब कार्टिलेज कहां प्रेजेंट होगा? ऑन द एंड्स ऑफ बोन, राइट? वो क्या करेगा? एंड को क्या करेगा? स्मूदन करेगा, मतलब वो स्मूथ करेगा. ऑल्सो सीन इन नोज नाउ वेर गंडे कार्टिलेज इज सीन. इट इज सीन इन नोज. कहां कहां पर नोज में प्रेजेंट होता है? ईयर, हमारे ईयर में. दिस वन ईयर, यू कैन से दिस इज द सॉलिड मैट्रिक्स एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्टिलेज, राइट? दिस वन ईयर, पिना ऑफ ईयर, ईयर, राइट? दिस वन इज नोन एज पिना, राइट? तो ईयर के पिना के अंदर भी वो प्रेजेंट होता है, ट्रेकिया के अंदर भी प्रेजेंट होता है, लैरिंक्स के अंदर भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है. कार्टिलेज यहां पर आप देख सकते हैं, ये सिंपल इजी एग्जांपल है. ईयर को आप टच करिए, आपको थोड़ा सॉलिड लगेगा पर वो हार्ड नहीं है, राइट? दिस वन इज नोन एज द कार्टिलेज. दिस इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू. इट गिव्स फ्लेक्सीबिलिटी. क्या करेगा? फ्लेक्सीबिलिटी होगा, मूव, वी कैन मूव इट, राइट? हियर आई कैन शो यू, एज यू कैन सी दैट आई कैन मूव इट, राइट? इन एनी डायरेक्शन. दे गिव्स फ्लेक्सीबिलिटी एंड हेल्प्स इन जॉइनिंग टू बोन्स. वो क्या करेगा? कहां पर प्रेजेंट होता है? बोन के एंड्स में प्रेजेंट होता है. इसकी वजह से वो किस चीज में हेल्प करेगा? टू जॉइन टू बोन्स, मतलब वो दो बोन्स को ज्वाइन करेगा, राइट? हियर अवर थर्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज नोन एज कार्टिलेज इज फिनिश्ड हियर. नाउ मूविंग टू द फोर्थ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज नोन एज बोन, राइट? बोन, हड्डी, राइट? इट हैज हार्ड मैट्रिक्स. हियर आई हैव शोन यू दैट सॉलिड, यहां पर सॉलिड मैट्रिक्स और यहां पर है हार्ड. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड हार्ड, रिमेंबर इट, राइट? कार्टिलेज हैज सॉलिड मैट्रिक्स बट बोन हैज हार्ड मैट्रिक्स एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फरस. हियर इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर बट बोन इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फरस, राइट? बोन्स मेक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, मतलब वो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे. आपने सोचा है कभी हमारी बॉडी में बोन्स ना होते तो हमारी बॉडी कैसी दिखती? हमारी बॉडी स्ट्रेट खड़ी रह नहीं सकती विदाउट बोन्स, राइट? दे प्रोवाइड अवर फ्रेमवर्क टू अवर बॉडी, राइट? दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी, प्रोवाइड स्पेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स, राइट? उसके ऊपर क्या अटैच होता है? उसके ऊपर अटैच हो रहते हैं मसल्स, राइट? ये क्या कहते हैं? प्रोवाइड स्पेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स, राइट? हियर वी हैव फिनिश्ड अवर फोर्थ टाइप. So let's revise. Cartilage, it has solid matrix and it is composed of protein and sugar. हमने matrix आपको समझा चुका हूँ. Helps to smoothen the bone ends. मतलब वो कहाँ present होगा? It is present in the bone ends. And also seen in nose, ear, trachea and larynx. ये सारी ऐसी जगह पर है जहां पर हमें cartilage देखने मिलेगा, right? It gives flexibility. क्या करेगा वो?
फ्लेक्सिबिलिटी एंड हेल्प इन जॉइनिंग टू बोन्स, बोन्स के एंड में प्रेजेंट होगा, इसकी वजह से दे विल हेल्प इन जॉइनिंग टू बोन्स, राइट। एंड हियर वी आर टेकिंग द फोर्थ टाइप ऑफ कनेक्टिव दैट इज नोन एज बोन। इट हैज हार्ड मैट्रिक्स, यहाँ पर सॉलिड मैट्रिक्स, यहाँ पर हार्ड मैट्रिक्स। इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर, इट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, राइट। यू मस्ट नॉट बी कंफ्यूज बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन, राइट। बोन्स मेक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, वो क्या करेगा हमारे बॉडी को स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देगा, मतलब हमारी बॉडी को एक फ्रेम देगा, राइट। प्रोवाइड स्पेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स, मतलब हमारे बोन के ऊपर क्या अटैच होगा, मसल्स अटैच होंगे तभी हमारी बॉडी दिखेगी, राइट। यहाँ पर हमारे बोन्स के ऊपर मसल्स अटैच है तभी हमें ये दिख रहा है, राइट। अगर बोन नहीं होंगे तो बोन नहीं होंगे तो हमारा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क विल बी जीरो। सो बोन्स प्रोवाइड अवर स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, राइट। होप यू हैव अंडरस्टूड कार्टिलेज एंड बोन। इफ यू हैव अंडरस्टूड द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल दैट इज नोन एज द मोबाइल डिजिट।